अस्सलामुअलैकुम, मैं मुसब्बिर हसन वेलकम करता हूँ आप सभी लोगों का फाउंडेशन सीरीज़ के इस फिफ्थ लेक्चर में। फाउंडेशन सीरीज़ में हमने अब तक पढ़ लिया था ट्रिग्नोमेट्री के कुछ पार्ट्स। ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट्स में हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या हैं, उनके रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या हैं। ठीक है, यहाँ तक की बातें हम कर चुके थे और लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि अगली क्लास में हम बात करेंगे वैल्यूज़ ऑफ सम स्पेसिफिक वैल्यूज़ ऑफ करस्पॉन्डिंग टू सम स्पेसिफिक एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है ना, तो आज जो है हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करस्पॉन्डिंग टू सम स्पेसिफिक एंगल्स करस्पॉन्डिंग टू सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, उस स्पेसिफिक एंगल में हमारे पास है एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन वैल्यूज को कैलकुलेट, इन इस एंगल के करस्पॉन्डिंग हम वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं लूँगा 30 डिग्री और 60 डिग्री को, उसके बाद लूँगा मैं 45 डिग्री को, 90 डिग्री को मैं और 0 डिग्री को बाद में लूँगा। ठीक है ना, तो पहला टॉपिक लिखते हैं हम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉरेस्पॉन्डिंग टू थर्टी डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है ना, एक काम करते हैं, मैं बना रहा हूं यहां पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बना रहा हूं? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल से ए बी सी, ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम सारे साइड को क्या मान लें? ए। सारे साइड की वैल्यू को क्या मान लें? ए। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, एंड द होल एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल के अंदर एक एल्टीट्यूड डाल रहा हूँ, एक एल्टीट्यूड डाल रहा हूँ ए से बी सी पर, और इसको मैं कह रहा हूँ डी। अगर आपको पता हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो एल्टीट्यूड है वो इस वर्टेक्स वाले एंगल को इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, क्या 30 डिग्री एंड 30 डिग्री में। ठीक है, और साथ साथ इस बी डी का बाइसेक्टर भी होता है, मतलब बी डी को भी इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ऐसा होता है। तो मतलब बी सी को भी इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, यानी बी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए बाय टू, एंड डी सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? ए बाय टू, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स टू द बेस इन इक्विलेटरल ट्रायंगल बाइसेक्ट द एंगल एज वेल एज द बेस। ठीक है, एज वेल एज द बेस। ठीक है ना, तो देखो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, कौन सी? ए बी डी। कौन सी ट्रायंगल बन जाएगी? ए बी डी। इस राइट एंगल ट्रायंगल को मैं बाहर कर दे रहा हूं, ऐसे ए बी और डी, ये एंगल है 60 डिग्री, ये साइड लेंथ है ए, ये लेंथ है ए बाय टू, और ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री। ठीक है ना, ये एंगल है 30 डिग्री, तो ये देखें, और ये एंगल है 90 डिग्री। तो इस ट्रायंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्या? क्या ऐसा लिख सकते हैं
AD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। देख सकते हैं, देख सकते हैं AD की वैल्यू कितनी है A स्क्वायर, BD की वैल्यू कितनी है A बाय टू का होल स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक, नो डाउट। तो यहां से देखें हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बिकम ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू ए स्क्वायर बाय फोर प्लस ए डी स्क्वायर। यहां से देखो वैल्यू क्या रही है, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय फोर, फ्रॉम हेयर यू विल गेट थ्री ए स्क्वायर बाय फोर आफ्टर टेकिंग एलसीएम। ठीक है ना, तो ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री ए स्क्वायर बाय फोर, और इसकी वैल्यू निकाले तो रूट थ्री ए स्क्वायर की वैल्यू ए और फोर की वैल्यू टू, तो ए डी की वैल्यू आ जाएगी इतनी रूट थ्री ए बाय टू। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, रूट थ्री ए बाय ए बाहर है टू। ठीक है, ठीक है। तो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल से एक ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लिया उसके एल्टीट्यूड की मदद से, जिसमें एक एंगल 60 डिग्री है, दूसरी एंगल 30 डिग्री है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो उस ट्रायंगल को मैं दोबारा से बना रहा हूं यहां पर, जिसमें ये एंगल है 30 डिग्री ए, ये है बी और ये है डी। 30 डिग्री के हिसाब से यह है रूट थ्री ए बाई टू, यह है ए और यह है ए बाय टू। इस ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल ए बी डी से, इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल के अंदर एंगल ए के हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से एल्टीट्यूड कौन सा है, सॉरी परपेंडिकुलर कौन सा है, ये है परपेंडिकुलर, यह है हाइपोटेन्यूस और यह है इसका बेस। ठीक है, अब सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर ले। अच्छा, यहां पर जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो आपको रखने हैं याद। ठीक है, तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल ले क्या, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कितना है हमारा, रूट थ्री ए बाय टू अपॉन बेस इज व्हाट ए, ए से ए को कैंसिल आउट कर दें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, सॉरी ए बाय टू अपॉन ए, ए बाय टू अपॉन ए, तो ए से ए को कैंसिल आउट कर दें तो वैल्यू क्या बच जाएगी, वन बाय टू। तो साइन 30 कितना है, वन बाय टू। सिमिलरली कॉस 30, कॉस का फॉर्मूला क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, 30 के हिसाब से बेस क्या है, रूट थ्री ए बाय टू, और हाइपोटेन्यूस कितना है, ए, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट विल बी रूट थ्री बाई टू, कॉस 30 इज रूट थ्री बाई टू। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो फाइंड टेन 30 डिग्री, टेन 30 विल बी व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है हमारा, ए बाई टू 30 डिग्री के हिसाब से, और बेस कितना है, रूट थ्री ए बाई टू, ए से ए ख़त्म, वन बाय टू से वन बाय टू ख़त्म, यहाँ से क्या आ जाएगा, वन बाय रूट थ्री। अब देखिए कॉसेक 30, कॉसेक 30 डिग्री ये कितना होगा, एच बाई पी, क्या हो जाएगा, एच बाय पी, या तो एच बाय पी करें या साइन 30 का रेसिप्रोकल कर दे सिंपली, तो कितना हो जाएगा, टू, रेसिप्रोकल रिलेशन से, है ना, रेसिप्रोकल होता है इसका। सिमिलरली इसका रेसिप्रोकल होता है क्या, सेक 30, तो सेक 30 को चाहे आप एच बाय बी से निकालें या सीधा इसी का रेसिप्रोकल कर दें, दैट विल बिकम टू बाय रूट थ्री, दैट विल बिकम टू बाय रूट थ्री। सिमिलरली cot 30 इज रेसिप्रोकल ऑफ tan 30, cot 30 इज रेसिप्रोकल ऑफ tan 30, cot 30 विल बी व्हाट, बेस अपॉन
परपेंडिकुलर या रेसिप्रोकल ऑफ 10/30, तो क्या हो जाएगा रूट थ्री बाय वन, रूट थ्री बाय वन। ठीक है, तो हमने 30 डिग्री कोरेस्पॉन्डिंग सारी वैल्यू निकाली, साइन 30 इज 1 बाय टू, कॉस 30 इज रूट थ्री बाय टू, टेन 30 इज 1 बाय रूट थ्री, कॉसेक 30 इज 2, सेक 30 इज 2 बाय रूट थ्री एंड कॉट 30 इज रूट थ्री, कॉट 30 इज रूट थ्री। अब इसी ट्रेंगल में, इसी ट्रेंगल में अगर इस एंगल को कंसिडर करें तो 60 डिग्री के कोरेस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है हम वो क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। 60 डिग्री के कोरेस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है वो हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी ट्रायंगल का यूज कर लें, इसी ट्रायंगल का यूज कर लें। इस ट्रायंगल के हिसाब से, इस ट्रायंगल में 30 डिग्री के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है ये, चूंकि 60 डिग्री के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है ये, बेस क्या है ये और हाइपोटेन्यूस क्या है ये। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है, 60 डिग्री के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है और बेस क्या है, बी डी है, बेस क्या है, बी डी है। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 60 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल लें, तो साइन 60 फार्मूले तो वही हैं क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लेकिन परपेंडिकुलर 60 डिग्री के हिसाब से तो क्या है रूट थ्री ए बाई टू और हाइपोटेन्यूस क्या है ए, तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी रूट थ्री बाय टू। सिमिलरली cos 60 डिग्री दैट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, 60 डिग्री के हिसाब से बेस क्या है a बाय टू और हाइपोटेन्यूस कितना है a, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट विल बी 1 बाय टू, रिजल्ट विल बी 1 बाय टू। सिमिलरली tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 60 के हिसाब से रूट थ्री ए बाई टू और बेस कितना है a बाय टू, ए से a खत्म, 2 से 2 खत्म, दैट विल बिकम रूट थ्री। ठीक है, टेन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट थ्री। ठीक है, टेन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट थ्री। बाकी जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमें क्या है पता है कि वो क्या है, इनके रेसिप्रोकल रिलेशन है। ठीक है, तो यहीं से हम लिख दें क्या, कॉसेक 30 एच बाई बी एच बाई पी दैट इज 2 बाय रूट थ्री, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सेक 30 इससे भी निकाल सकते हैं एच बाई बी से, है ना, या इसी का रेसिप्रोकल कर दे 2 बाय वन यानी 2। कॉट 30, कॉट 30 यानी बी बाई पी, कॉट 30 यानी बी बाई पी यानी के 1 बाय रूट थ्री, 1 बाय रूट थ्री। ठीक है, यहां पर देखें कि हमने 30 डिग्री कोरेस्पॉन्डिंग सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली और 60 डिग्री कोरेस्पॉन्डिंग में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर लिए। अगर आप यहां पर देखें, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से साइन 30 इज बेसिकली इक्वल टू कॉस 90 माइनस 30, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 30 ऐसा हमने निकाला था। तो ये बताओ क्या 30 और 60 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है आपस में, यानी दोनों एंगल का जोड़ 90 है। हाँ, तो मतलब साइन 30 को हम क्या लिख सकते थे, कॉस 90 माइनस 30, कॉस 90 माइनस, कॉस 90 माइनस 30 और यहां से देख सकते ये हो जाएगा कॉस 60। तो अब ये देखें साइन 30 के कोरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वही कॉस 60 के कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से भी ये सारे रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते थे हम। ठीक है, कि कॉस 30 विल बी इक्वल टू साइन 60, टेन 30 विल बी इक्वल टू, टेन 30 विल बी इक्वल टू कॉट 30, टेन 30 विल बी इक्वल टू, अरे सॉरी यहां पर 60 डिग्री होगा, टेन 30 विल बी इक्वल टू कॉट 60, टेन 30 विल बी इक्वल टू कॉट 30, टेन 30 विल बी इक्वल टू कॉट 30। तो देखो टेन 30 की वैल्यू 1 बाय रूट 3 है, कॉट 60 की वैल्यू कितनी है 1 बाय रूट 3 है, तो टेन 60 विल बी इक्वल टू कॉट 60। ठीक है, तो इस तरह से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आई बात है कि नहीं आई। ठीक है, हाँ एक चीज़ गौर करें कि हो सकता हो कभी कभी जो है
कि बेध्यानी में जो हम इस तरह की मिस्टेक हो जाएं तो वो आप अंडरस्टूड है, समझ जाएं कि यहाँ पे 60 डिग्री है, ठीक है। या कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं, वेरिफिकेशन के लिए, फॉर योर वेरिफिकेशन यू कैन कमेंट, ठीक है, समझ में बात है। तो इस तरह के मिस्टेक्स थोड़े बहुत हो सकते हैं, ठीक है, किसी से भी हो जाती है, इतनी बातें, तो इन चीज़ों पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो sec 60 कितना हो जाएगा, 2 cot 60 1/√3, ठीक है। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री कोरिस्पॉन्डिंग हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर लिए, और कंप्लीमेंट्री एंगल से वेरीफाई करके भी देख लिया कि cos 30 की वैल्यू sin 60 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि cos 30 को कंप्लीमेंट से लिख सकते हैं क्या, sin 90 - 30, यानी sin 60 की वैल्यू देखें क्या है, √3/2, जो कि cos 30 की वैल्यू है, ठीक है, समझ में आ गई वो बातें। तो अब हम चलते हैं, हमारा जो पार्ट था 30 डिग्री और 60 डिग्री का, ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, 30 और 60 डिग्री का पार्ट कंप्लीट हो गया। इन सारे वैल्यूज को आप नोट करते रहें, ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर इसको आपकी जरूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। अगला जो पार्ट है वो हमारा है 45 डिग्री, कौन सा है, 45 डिग्री, ठीक है। इसके लिए मैं 45 डिग्री के लिए वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 45 डिग्री, तो मैं बना रहा हूं एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी राइट एंगल एट बी, ठीक है। और ये जो मैं ट्रायंगल बनाया हूं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी साइड है ए और ए, तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप अप्लाई करें तो ये वैल्यू आ जाएगी √2 × a, ठीक है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों साइड बराबर होती है तो ये एंगल भी बराबर होंगे, और ये 90 है तो जाहिर सी बात ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के अंदर हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं, साइन 45 पी बाय एच, तो 45 किधर से भी ले लो, इसी के हिसाब से ले ले, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा एच, दैट विल बी ए ए ओवर √2a, ए से ए खत्म, दैट विल बी 1/√2, कॉस 45 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस इज व्हाट, ए, हाइपोटेन्यूस इज व्हाट, √2a, हाइपोटेन्यूस इज व्हाट, √2a, ए से ए को कैंसिल आउट कर दो, दैट विल गिव यू 1/√2, दैट विल गिव यू 1/√2, ठीक है। सिमिलरली यहां से हम 1045 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 1045 विल बी व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर देखो यहां पर क्या है ए, और बेस भी क्या है ए, तो ए से ए कैंसिल आउट होकर के रिजल्ट क्या देगा, 1, या 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1045 की वैल्यू क्या होती है, हो जाएगी 1 हो जाएगी। बाकी के तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, इनके रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल रिजल्ट से हम जानते हैं, तो cosec 45 क्या हो जाएगा, √2/1, ठीक है, यानी h by p, sec 45 h by b यानी कि √2/1, √2/1 को सिंपली √2 लिख सकते हैं, सिंपली √2 लिख सकते हैं। सिमिलरली cot 45 इज रेसिप्रोकल ऑफ 1045, cot 45 कितना है, 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 ही होता है, तो cot 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये हो गया सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 45 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो ये सारी वैल्यू आप नोट कर लें कि 45 डिग्री कॉरेस्पॉन्डिंग sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, 1045 की वैल्यू 1 होती है, cosec 45 की वैल्यू √2 होती है, sec 45 की वैल्यू भी √2 होती है, एंड cot 45 की वैल्यू भी
वन होती है, टेन 45 और कॉट 45, 45 डिग्री पे टेन और कॉट की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, ठीक है ना, क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, ठीक है, समझ आई बात है, ठीक। तो आप नोट कर चुके होंगे इसको, अब चलते हम 0 डिग्री और 90 डिग्री की तरफ, 0 डिग्री और 90 डिग्री की तरफ, ठीक है। तो इस पार्ट को मैं करता हूं रब, ठीक है, द नेक्स्ट पार्ट इज 0 डिग्री। देखो क्या 0 डिग्री की कोई ट्रायंगल बन सकती है, नहीं बन सकती, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम कुछ एजम्पशन के साथ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ताकि आपको समझ में आए। मान लो ये एक ट्रायंगल है, मान लो ये एक ट्रायंगल है, से ए बी सी, ये 90 डिग्री है, ये समथिंग एंगल कुछ भी है थीटा, ये 90 माइनस थीटा होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। अब ये बताओ अगर मैं इस ए को शिफ्ट करना शुरू कर दूं, मैं कहां बी की तरफ इसी लाइन के लूं, तो ये देखो ये एंगल ऐसी होती जाएगी, ये एक वक्त आएगा ऐसे, ठीक है ना, तो यहां पर फिर यहां पर ऐसे शिफ्ट करते हुए कहां चला जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उस केस में देखो इस केस को मैं मैग्नीफाई करके बना रहा हूं थोड़ा, ठीक है ना, उस केस में देखो ये सी ये बी और ये जो एंगल है बिल्कुल यहां शिफ्ट होकर के आ जाएगा, ये एंगल जीरो कब होगा, जब ये ए वाला पोर्शन जो है मतलब थर्ड पार्ट पर जो थ्री लिखा हुआ है, ये ए पार्ट जो है शिफ्ट करके कहां चला जाए, बी पर चला जाए, और उस केस में ये एंगल भी 90 हो जाएगा, जब बिल्कुल ऐसे कोइंसाइड करेगा तो 90 हो जाएगा और ये एंगल जीरो हो जाएगा। तो मतलब रियली में वो ऐसा दिखेगा सी ए बी, ए भी बी पर आ जाएगा। तो उस केस में देखो कोइंसाइडिंग लाइन हो जाएगी, तो ये एंगल एग्जैक्टली यहां पर, अगर इसकी हाइट थोड़ी सी मान ले कुछ भी, ऐसा इमेजिन करके देखो, है ना, तो ये एंगल 90 दिखेगा, ठीक है ना, ये एंगल क्या दिखेगा, 90 दिखेगा, तभी एक ऐसी ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 0 दो एंगल 90, ठीक है। तो एक्चुअल में ऐसी लाइन पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन ऐसा इमेजिन कर सकते हैं हम कि ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती है, हम कह सकते हैं थ्योरेटिकली, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में देखो कि उस कंडीशन में जो ये एसी लेंथ है, जो एसी है वो बराबर हो जाएगा बीसी के, और ए बी की वैल्यू हो जाएगी 0, और एंगल ए सी बी की वैल्यू, एंगल ए सी बी की वैल्यू हो जाएगी 0, एंड एंगल बी ए सी की वैल्यू, एंगल बी ए सी की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखते हुए कि हमें 0 डिग्री कब मिल पाएगा, जब ऐसी कंडीशन होगी, तो इसी ट्रायंगल से मैं निकालूंगा 0 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है ना। तो देखो 0 डिग्री के हिसाब से, अब चूंकि यहां पर दिखेगा तो नहीं, तो मैं यहीं पर बता दे रहा हूं कि ए बी 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, 0 डिग्री के हिसाब से ये होगा हाइपोटेन्यूस और ये होगा बेस। तो 0 डिग्री की कंडीशन में, कंडीशन फॉर एंगल ए सी बी इज 0 इफ दीज कंडीशन आर सेटिस्फाइड, है ना। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो द कंडीशन फॉर एंगल सी ए बी इक्वल टू 90, एंगल सी ए बी और बी ए सी इक्वल टू 90, उसके लिए भी यही कंडीशन है कि ये एंगल 0 हो जाए। तो इसको हम मान लें, ट्रायंगल ये देखें और रिजल्ट ये मान लें, तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 0 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ये ए बी, ए बी उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो 0 बाय हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने ए सी, यानी कि ए सी तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज कॉस 0 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसके हिसाब से बेस क्या होगा,
BC और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा AC। और यहां पर देखो इस जीरो वाली कंडीशन में AC BC के बराबर हो जाता है, तो ये इसके बराबर है, कैंसिल आउट कर दो, वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। सिमिलरली tan 0 डिग्री इज व्हाट, tan 0 डिग्री के लिए हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या है AB और हाइपोटेन्यूस क्या है, सॉरी tan 0 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 0 इज AB एंड बेस इज व्हाट BC, बेस इज व्हाट BC। तो ये देखो AB की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, फॉर द कंडीशन दैट एंगल दिस एंगल शुड बी 0 AB विल बिकम 0। तो AB बाय यानी 0 बाय BC दैट विल गिव यू 0। तो tan 0 इज आल्सो 0, tan 0 इज आल्सो 0। नाउ कम्स टू द cosec 0, cosec 0 विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ sin 0, sin 0 यानी 0 का रेसिप्रोकल डिफाइन नहीं है, तो cos 0 इज नॉट डिफाइंड, 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, दैट्स व्हाई cos 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, चूंकि इसका रेसिप्रोकल है। नेक्स्ट वन इज sec 0, sec 0 विल बी व्हाट h by p और रेसिप्रोकल ऑफ cos 0, cos 0 का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 ही होता है। नेक्स्ट इज cot 0, cot 0 विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ tan 0, cot 0 जो होगा tan 0 का रेसिप्रोकल होगा, और tan 0 क्या है, 0 है, तो cot 0 नॉट डिफाइन, cot 0 इज नॉट डिफाइन, cot 0 इज नॉट डिफाइन, ठीक है, तो cot 0 इज नॉट डिफाइन है ना, एंड cosec 0 इज ऑल्सो नॉट डिफाइन, ठीक है। एट 0 डिग्री दीज टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नॉट डिफाइंड, इट विल टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1 अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, ठीक है, 1 अपॉन 0 की फॉर्म आ रही है इन दोनों केसेस में, है ना, दीज बोथ cosec 0 एंड cot 0 टेक्स द फॉर्म ऑफ 1 अपॉन 0, है ना, विच इज इन्फिनिटी, है ना, इट टेक्स द फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी, समझ में बात है। तो cosec 0 और cot 0 0 डिग्री पर, मतलब cosec और cot 0 डिग्री पर डिफाइन नहीं है, यानी cosec 0 और cot 0 डिफाइन नहीं है। तो इसी ट्रायंगल के अंदर, इसी ट्रायंगल के अंदर हम 90 डिग्री की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या कंप्लीमेंट्री एंगल से रिजल्ट निकाल सकते हैं, कि जैसे sin 0 दैट विल बी इक्वल टू cos 90, वाई कहां से चूंकि साइन थीटा होता है cos 90 माइनस थीटा, या तो इस तरह की कंप्लीमेंट्री रिलेशन लगा दे सबके साथ, सारी वैल्यू आ जाएगी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, sin 0 बराबर cos 90 माइनस 0 दैट इज cos 90, और sin 0 की वैल्यू क्या है 0, तो cos 90 की वैल्यू भी क्या होगी 0। तो कंप्लीमेंट्री एंगल से भी बाकी निकाल सकते हैं, sin 90 cos 90, और इस ट्रायंगल की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो देखो 90 डिग्री बनाने के लिए इस 0 को कंसिडर करने के बजाय कौन सी एंगल कंसिडर करें, एंगल BAC। तो इस 90 डिग्री के हिसाब से ये वाली 90 तो वो है जो फिक्स है, जो कि हाइपोटेन्यूस बता रहा है, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर 90 इस एंगल के सामने, और ये राइट एंगल वाली एंगल थी पहले, खैर लेकिन कंडीशन यहां पर अब भी वही रहेगी कि AC बराबर BC एंड AB इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो कंडीशन फॉर एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल टू 90 डिग्री इज दैट AC इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू 0, ओनली देन एंगल BAC विल बी 90 डिग्री, ठीक है। हमने कहा कि ऐसी कोई ट्रायंगल नहीं बनती है, ऐसा एज्यूम करना है कि ये 90 डिग्री तभी पॉसिबल है एंगल में, ठीक है, समझ में आ गई होगी बातें, ठीक है। तो यहां से साइन 90 की वैल्यू कैलकुलेट कर ले, तो साइन 90 यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 90 डिग्री के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है BC, और हाइपोटेन्यूस क्या है AC, लेकिन इस कंडीशन में AC BC के बराबर होता है ना, बट इन दैट कंडीशन AC इज इक्वल टू BC, दैट्स व्हाई sin 90 इज 1, दैट्स व्हाई sin 90 इज 1। cos 90,
cos 90 क्या हो जाएगा, बी बाय एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है हमारा 90 डिग्री के हिसाब से ए बी, और हाइपोटेन्यूस कितना है ए सी। लेकिन इस कंडीशन में ए बी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, दैट्स वाई जीरो बाय ए सी इज जीरो। तो कॉस 90 जीरो, देखो कंप्लीमेंट्री एंगल से अगर आप निकालते तब भी यही आता, साइन 90 साइन जीरो इक्वल टू कॉस 90, साइन जीरो इक्वल टू कॉस 90 आ रहा है, उधर से भी आ रहा है और यहां से भी वही रिजल्ट आ रहा था। टेन नाइनटी विल बी व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज व्हाट बी सी, एंड बेस इज व्हाट ए बी, बेस इज व्हाट ए बी। तो देखो बी सी तो ठीक है लेकिन ए बी की वैल्यू है जीरो, दैट्स वाई 1090 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसको देख सकते हो कॉट जीरो का कॉम्प्लीमेंट है, 1090 इज नॉट डिफाइंड, कॉट जीरो इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, है ना। ठीक है, नाउ कम्स टू द रेसिप्रोकल रिलेशन, यानी कॉसेक 90 सेक 90 एंड कॉट 90, है ना। तो ये 1/0 की फॉर्म थी, तो कॉस सेक 90 दैट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ साइन 90, और साइन 90 क्या हमारा 1 है, तो कॉस 90 भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कॉस 90 भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, सेक कॉस 90 का रेसिप्रोकल सेक 90, है ना। तो साइन 90 का रेसिप्रोकल है कॉसेक 90, और कॉस 90 का रेसिप्रोकल है क्या सेक 90। तो सेक 90 विल बी व्हाट, 1 बाय कॉस 90 एंड 1 बाय कॉस 90 यानी 1 बाय कॉस 90, और 1 बाय कॉस 90 का मतलब 1 बाय 0, कॉस 90 इज 0, दैट इज नॉट डिफाइंड, दैट इज नॉट डिफाइंड, टेक्स द फॉर्म्स ऑफ इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, है ना। कॉट 90 इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, कॉट 1090, 1090 ये क्यों हुआ था, चूंकि डिनोमिनेटर 0 हो गया था, है ना, यानी कि ये तो फॉर्म होगा ए बी बाय बी सी के जैसा, चूंकि 1090 बी सी बाय ए बी है, तो 1090 की जगह बी सी बाय ए बी रखो तो ए बी ऊपर चला जाएगा, तो यानी इस बार 0 ऊपर चला जाएगा और बी सी नीचे ही रहेगा, दैट इज 0। तो 1090 इज 0 एंड 1010 इज 0, तो देख रहे हैं रेसिप्रोकल रिलेशन वैलिड है। ठीक है, तो इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को क्या करना है, मेमोराइज, क्या करना है, याद रखने हैं, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इन फ्यूचर, इनकी वैल्यूज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो याद रखना तो है इसको मुश्किल, लेकिन इसको हम याद रख सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। आप भी इसी ट्रायंगल को याद रख ले, एक तो तरीका ये है जिस ट्रायंगल से हमने वैल्यू कैलकुलेट की, ठीक है, और उसके रेशियोज को याद रख ले तो वैल्यू याद हो जाएगी। ठीक है, यह दूसरा तरीका वो है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना, समझ में आई बात है। तो उसके लिए मैं पहले कुछ बता रहा हूँ कि हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे साइन की, मतलब साइन थीटा, थीटा विल बी 0, 30, 45, 60 और 90, कॉस थीटा की और टेन थीटा की। ठीक है, बाकी जो है वो इनके रेसिप्रोकल है, जहां पर थीटा हमारा 0 होगा, 30 होगा, 90 होगा, बाकी इसके रेसिप्रोकल है, दैट विल बी कॉसेक थीटा सेक थीटा एंड कॉट थीटा, बाकी जो है इनके रेसिप्रोकल रिलेशन है। ठीक है ना, तो मैं इसका कुछ तरीका बताऊंगा, वो याद रखने हैं, उसके लिए आप बना ले टेबल। ठीक है, तो मैं इधर लिख रहा हूं क्या, इस तरफ लिखूंगा थीटा की वैल्यू यानी एंगल, और इस तरफ लिखूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इस तरफ लिखूंगा मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। तो वैल्यू हमारे पास कितना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, एंड 90 डिग्री। ठीक है, एंड 90 डिग्री,
एंड 90 डिग्री, ठीक है। इधर मैं लिखूंगा सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच और लास्टली छः, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। बाकी जो नीचे लिख रहा हूं वो है रेसिप्रोकल, वो है क्या, रेसिप्रोकल, दैट इज कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा। याद कैसे रखेंगे इसको, बहुत आसान है, ठीक। एक काम करें, राइट हैंड थंब को, राइट हैंड को लें और इसको ऐसे देख लें, जीरो थंब से शुरू करेंगे हम, कहाँ से, थंब से, ठीक है, थंब विक्ट्री होता है, यहीं से शुरू करेंगे, है ना, जीरो 30 45 60 डिग्री 90 डिग्री, पांच एंगल है, पांच फिंगर है, जीरो 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है ना, समझ आई बात है कि नहीं आई, ठीक। तो देखो इसके वैल्यू निकालने का तरीका क्या होगा, वैल्यू निकालने का तरीका क्या होगा, फॉर साइन थीटा, है ना, फॉर साइन थीटा दैट विल बी अंडर रूट, अंडर रूट दैट विल बी, कैसे निकालेंगे, जैसे देखो ये हमारे पांच फिंगर है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है ना। तो अब देखो हमें साइन जीरो की वैल्यू निकालनी है, साइन जीरो की, तो इस फिंगर को फोल्ड कर लो। अब देखो इस फिंगर से, बल्कि 30 को पहले करें तब ज्यादा आपको समझ में आएगा कि 30 डिग्री किस, कौन सा था ये, इस फिंगर को फोल्ड कर लो, ठीक है ना, समझ आई बात है कि नहीं। इस फिंगर से थंब की साइड की तरफ, इस फिंगर से जिस फिंगर को हमने फोल्ड किया है 30 डिग्री वाले को, उससे फिंगर थंब साइड की तरफ कितनी फिंगर है, एक, है ना। तो नंबर ऑफ फिंगर, नंबर ऑफ फिंगर टुवर्ड्स द थंब साइड, उसका निकालना है रूट, नंबर ऑफ फिंगर्स टुवर्ड्स द थंब साइड, साइन थीटा के लिए नंबर ऑफ फिंगर्स टुवर्ड्स द थंब साइड, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय टू। तो मतलब साइन थीटा का रिजल्ट क्या रहेगा हमारा, नंबर ऑफ फिंगर्स टुवर्ड्स द थंब साइड अपॉन टू, ठीक है। तो 30 डिग्री के लिए क्या है, देखो 30 डिग्री इसके करस्पॉन्डिंग था 30, इधर क्या है 1, यानी अंडर रूट 1 बाई 2, अंडर रूट 1 बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, 1 बाई 2, है ना, दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री इज 1 बाई 2। 0 डिग्री, 0 डिग्री थंब पे ही होता है, थंब से पहले कितनी फिंगर है, 0, अंडर रूट 0 बाई 2 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है ना। 45 डिग्री कौन सी फिंगर थी, ये वाली 45, इससे थंब की साइड की तरफ कितनी फिंगर है, 2, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2, 2 का जो भी नंबर वैल्यू है उसका रूट निकालना, डिवाइडेड बाय 2, इसको अगर कैंसिल आउट करें तो क्या हो जाएगा, 1 बाय रूट 2, चूंकि 2 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, तो 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाय रूट 2। 60 डिग्री करस्पॉन्डिंग, 60 डिग्री करस्पॉन्डिंग ये फिंगर है ना, ये है क्या, कितनी फिंगर है, 3, तो अंडर रूट 3 नीचे क्या हो जाएगा, 2, ये वैल्यू कैंसिल आउट नहीं हो सकती, इतनी रह जाएगी। 90 डिग्री साइन 90, तो थंब की तरफ कितनी फिंगर है, 4, तो अंडर रूट 4 डिवाइडेड बाय 2, अंडर रूट 4 इज व्हाट, 2 बाय 2, दैट इज द रिजल्ट इज 1, दैट इज द रिजल्ट इज 1, ठीक है। तो इस तरह से आप वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आई बात है कि नहीं आई, होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक। कॉस के लिए क्या करेंगे, यही काम करेंगे, इस बार हम क्या ले रहे थे, साइन थीटा में क्या ले रहे थे, फोल्डेड फिंगर से थंब की तरफ कितनी फिंगर है, थंब की तरफ कितनी फिंगर है, कॉस थीटा के लिए ये लेंगे कि फोल्डेड फिंगर से लिटिल फिंगर की तरफ कितनी फिंगर है,
है ना, कॉस थीटा के लिए क्या लेंगे, नंबर ऑफ फिंगर्स टुवर्ड्स द लिटिल फिंगर साइड्स का रूट डिवाइडेड बाय टू, ठीक है, डिवाइडेड बाय टू। तो अब ये देखें यहां पर है क्या, कॉस थीटा, थीटा क्या है जीरो, तो कॉस जीरो, कॉस जीरो, जीरो क्या है, थंब था हमारा जीरो, थंब से यानी लिटिल फिंगर की तरफ कितनी फिंगर है, फोल्डेड फिंगर से कितनी फिंगर है, फोर, अंडर रूट फोर बाई टू, अंडर रूट फोर यानी टू बाई टू, दैट विल गिव यू वन, दैट्स वाई कॉस जीरो इज वन। आप जो वैल्यू कैलकुलेट किए थे उसको मैच करा सकते हैं, ठीक है ना। थर्टी, थर्टी कौन सा फिंगर था हमारा, ये वाली फिंगर है ना, ये वाली, ठीक है ना, है ना, इंडेक्स फिंगर। तो इंडेक्स फिंगर को अगर फोल्ड करें तो लिटिल फिंगर की तरफ कितनी कितनी फिंगर है हमारे, तीन, तो अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू, दैट्स वाई कॉस थर्टी इज रूट थ्री बाई टू, ठीक है। सेंट्रल फिंगर, सेंट्रल फिंगर से लिटिल फिंगर की तरफ कितनी फिंगर है, दो, तो अंडर रूट टू बाई टू, आफ्टर कैंसिलेशन यू विल गेट वन बाई रूट टू, ठीक है। सिक्सटी डिग्री, लिटिल फिंगर की तरफ कितनी फिंगर, वन, बाय डिवाइड किससे करना है, टू से, तो वन बाय टू, वन बाय टू। कॉस नाइन्टी, कॉस नाइन्टी लिटिल फिंगर, अब लिटिल फिंगर चूंकि फोल्डेड है तो अब यहां से लिटिल फिंगर की तरफ कितनी फिंगर है, जीरो बाय टू, द रिजल्ट इज जीरो, ठीक है। होपफुली आपको ये दोनों वैल्यूज याद हो गई होंगी, ठीक है ना, दोनों वैल्यूज क्या हो गई होंगी, याद हो गई होंगी। टेन थीटा के लिए क्या करेंगे, टेन थीटा के लिए क्या करना है, है ना, टेन थीटा के लिए क्या करना है, देखो इसको ऐसे याद रखना है, अंडर रूट में, पूरा अंडर रूट में ही है, नंबर ऑफ फिंगर्स टुवर्ड्स द थंब साइड अपॉन नंबर ऑफ फिंगर टुवर्ड्स द लिटिल फिंगर साइड, पूरे रूट में है। देखो जैसे सपोज कर लो 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री, तो रूट निकालने हैं किसके, नंबर ऑफ फिंगर्स टुवर्ड्स द थंब साइड अपॉन नंबर ऑफ फिंगर्स टुवर्ड्स द लिटिल फिंगर साइड, ठीक है। तो जैसे 10 30 की वैल्यू निकला है, ये 30 है तो अंडर रूट में वैल्यू लिख ली है, थंब की तरफ कितनी फिंगर, एक, और लिटिल फिंगर की तरफ कितनी, रूट थ्री, दैट विल बिकम वन बाय रूट थ्री। आप वैल्यू चेक करें, 10 30 की वैल्यू इतनी होगी, 10 30 की वैल्यू इतनी होगी, ठीक है ना, 10 30 की वैल्यू इतनी होगी। जीरो डिग्री, 10 0, 10 0, ये फोल्ड कर दिया, फिंगर टुवर्ड द लिटिल फिंगर साइड जीरो, फिंगर टुवर्ड द सॉरी फिंगर टुवर्ड द थंब साइड जीरो, फिंगर टुवर्ड द लिटिल फिंगर साइड फोर का रूट, तो जीरो का रूट कुछ भी हो जीरो हो जाएगा, ठीक है। 45 डिग्री, दिस फिंगर 45 डिग्री इज दिस फिंगर, तो इस फिंगर से पहले की तरफ यानी थंब की तरफ टू, इस फिंगर से लिटिल फिंगर की तरफ टू, इसका रूट कैंसिल आउट होकर के क्या दे रहा है वैल्यू वन, तो अंडर रूट वन की वैल्यू क्या होती है वन, 10 45 वन होता है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। 60 डिग्री है ना, फिंगर टुवर्ड द थंब साइड कितना है, तीन, फिंगर टुवर्ड द लिटिल फिंगर साइड वन, इसका रूट दैट इज अंडर रूट थ्री, दैट इज अंडर रूट थ्री। 10 60 थंब की तरफ 90 डिग्री ये था, है ना, ये क्या था, 90 डिग्री था हमारा, ऐसे था ये ठीक है, ये था 0 डिग्री, ये था 30 डिग्री, ये था क्या 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस तरफ है हमारा पाम राइट हैंड का, किसका, राइट हैंड का, बाहर की तरफ पाम, बाहर की तरफ उस कंडीशन में, ठीक है। तो 90 डिग्री इज दिस फिंगर टुवर्ड्स द थंब साइड फोर, टुवर्ड्स द लिटिल फिंगर साइड जीरो, वन अपॉन जीरो की फॉर्म है, नॉट डिफाइन, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। ये वैल्यू बातें याद है अगर,
तो बाकी सारी चीजें तो क्या है, इसका रेसिप्रोकल है। साइन का रेसिप्रोकल कॉस एक, नॉट डिफाइन। कॉस का रेसिप्रोकल सेक, वन का रेसिप्रोकल वन। टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, तो कॉट टेन जीरो इज जीरो, तो कॉट जीरो इज नॉट डिफाइन। ठीक है, कॉट जीरो इज नॉट डिफाइन, कॉट जीरो इज नॉट डिफाइन। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस, वन बाई टू, दिस विल बी वन बाई टू, टू बाई रूट थ्री। मैं रेसिप्रोकल कर दे रहा हूँ, आप जल्दी से कर ले, रूट थ्री बाई वन। ऐसे ही ये इसका रेसिप्रोकल रूट टू, इनका रेसिप्रोकल ये रूट टू, इनका रेसिप्रोकल ये वन। ये किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन का, टू बाई रूट थ्री, टू बाई वन यानी टू, रूट थ्री का रेसिप्रोकल वन बाई रूट थ्री, चूँकि टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। सिमिलरली साइन 90 का रेसिप्रोकल कॉसेक 90, यानी साइन 91 होता है तो कॉसेक 91 हो जाएगा। कॉस 90 जीरो होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेक 90 क्या हो जाएगा, जीरो का रेसिप्रोकल, नॉट डिफाइन। ठीक है, कॉट 10 90 इज व्हाट, नॉट डिफाइन, यानी 1 अपॉन जीरो की फॉर्म होगी, ये 1 अपॉन जीरो की फॉर्म है, और 1 अपॉन जीरो यानी रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इस वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो आज की क्लास में हम रखेंगे यहीं तक, हालांकि ये वीडियो छोटी है लेकिन यहीं तक रखेंगे, और इस वैल्यूज को आपको याद रख लेना है। तो लेक्चर नंबर 3, 4 और लेक्चर नंबर 5 में जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है उसके लिए हम लेक्चर नंबर 6 बनाएंगे, जिसमें इस पर बेस्ड सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसके आगे की बात हम लेक्चर नंबर 7 के अंदर करेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर के अंदर हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, टाइम बचा तो अगली क्लास से ही शुरू कर लेंगे हम। ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर 4 के अंदर जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ये वैल्यूज ऑफ सम स्पेशल एंगल, इस पर जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर लेंगे। थैंक यू।